नमस्कार, हमारे स्पेशल सेगमेंट न्यूज टॉक में आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में राजा महाकाल की नगरी उज्जैन की। जी हां, सिंहस्थ 2016 के लिए उज्जैन नगरी कितनी तैयार है, इस तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन जिले के डीएम और कलेक्टर सम्मानीय श्री कविंद्र कियावत। सर, आपका सबसे पहले डी लाइव न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहला सवाल जो कि दर्शक और जनता बेसब्री से जानना चाहते हैं कि सिंहस्थ 2016 के लिए कितना तैयार है हमारा उज्जैन शहर और कितनी बड़ी जिम्मेदारी कलेक्टर साहब यानी कि आपके कंधों पर है, किस तरह से आप 24 घंटे सातों दिन केवल और केवल सिंहस्थ के सही आयोजन के लिए, बृहद आयोजन के लिए तैयारियों में लगे हैं और कितनी मेहनत उज्जैन जिला प्रशासन भी कर रहा है। सिंहस्थ 2016 का महापर्व 22 अप्रैल 2016 से 21 मई 2016 के मध्य आयोजित होगा। इस आयोजन में पूरे देश से लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु भाग लेने के लिए आएंगे। कुछ शाही स्नान के अतिरिक्त पर्व स्नान भी होते हैं जिन दिनों में विशेष रूप से श्रद्धालु आते हैं और उस अवसर पर पुण्य दायिनी शिप्रा नदी के अंदर स्नान करके अपने भविष्य के बारे में शुभकामनाएं लेते हैं और वे इस स्नान के माध्यम से अपने धार्मिक संस्कारों को भी पूरा करते हैं। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती है और उज्जैन जैसे शहर के लिए यह बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हर 12 वर्ष में उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त होता है। इस महापर्व के आयोजन की तैयारियों के लिए मध्य प्रदेश शासन ने एक विस्तृत कार्ययोजना का अनुमोदन दिया था जिसके अंतर्गत सभी विभाग आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने का कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष के सिंहस्थ में जिस प्रकार की संख्या अनुमानित की जा रही है उसको ध्यान में रख करके लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, विद्युत मंडल, नगर निगम और शासन के विभिन्न विभागों ने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों का कार्य को करवाया है और ये कार्य निश्चित रूप से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होंगे। सर, जिस तरह से उज्जैन को जो है धार्मिक नगरी का भी दर्जा हासिल है, ऐसे में इंदौर जिले के प्रशासनिक मुखिया होने के नाते आप क्या चाहते हैं जो श्रद्धालु उज्जैन नगरी में आए वो किस तरह से उन्हें भी जो है जागरूकता का परिचय देना चाहिए ताकि जिला प्रशासन के सहयोग के साथ साथ उनकी भी जागरूकता कहीं जो इस आयोजन को सफल बनाने में लगी रहे। आपने क्या कुछ ऐसी प्लानिंग की है, ऐसी कोई कार्ययोजना तैयार की है ताकि जनता की भी उतनी ही भागीदारी सिंहस्थ महापर्व जैसे बड़े आयोजन में सुनिश्चित की जा सके? ये सिंहस्थ इस बार का ग्रीन सिंहस्थ, क्लीन सिंहस्थ के बैनर तले हम कार्य कर रहे हैं और इसमें पॉलीथीन मुक्त ये आयोजन हो और इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण न हो और बाहर से आने वाले लोगों को असुविधा ना हो, क्योंकि आज ग्लोबल वार्मिंग एक हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय को ध्यान में रखते हुए जन जागृति पैदा करते हुए लोगों को इसमें सहभागी बनाना हमारा ध्येय है। इस आयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड के अंदर सिंहस्थ में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं होना चाहिए, हमारा व्यवहारगत स्वरूप कैसा होना चाहिए, शहर को गंदगी से मुक्त कराने के लिए हम क्या करें, इसके लिए जनभागीदारिता सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम के साथ में मेला और जिला प्रशासन सभी इस कार्य को बड़े संजीदगी से कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका प्रभाव सिंहस्थ के दौरान दिखाई देगा। ग्रीन सिंहस्थ, क्लीन सिंहस्थ की अवधारणा को हम मूर्त रूप दे सकेंगे। सर, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी पिछले दिनों जो है प्रशासनिक महकमे को निर्देश दिए थे कि सभी जो कार्य हैं उस तय समय सीमा में पूरे हो जाएं। ये उज्जैन जिला प्रशासन ने स्टैंड अप मीटिंग का जो एक नया फॉर्मेट निकाला है, सर ये कितना कारगर साबित हो रहा है और खासतौर पर जो मातहत अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित करने के लिए स्टैंड अप मीटिंग कितना आपको रिजल्ट ओरिएंटेड भी नजर आती है? वास्तव में जब कोई एक विभाग कार्य करता है तो उस विभाग के कार्य में कई अन्य विभागों की सहयोगी भूमिका होती है और यदि उनमें आपस में तालमेल न हो तो कार्य को करना और कार्य को करने के पश्चात होने वाले प्रभावों से दूसरे विभाग की गतिविधि पर प्रभाव पड़ने को देख करके ये निर्णय लिया गया कि जब कोई विभाग अपना कार्य करे तो उसको अन्य जिन जिन विभागों से सहयोग की आवश्यकता हो उन सबके साथ में मिलकर के निर्णय लिया जाए ताकि कार्य समय सीमा में अच्छी गुणवत्ता के साथ हो सके। इसी कंसेप्ट को लेकर के स्टैंड अप मीटिंग रखी गई तो उसके बड़े अच्छे परिणाम दिखाई दिए कि एक विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्य के दौरान दूसरे विभाग की कार्यप्रणाली से उसको कुछ बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं को स्पॉट पर ही डिस्कशन के साथ में निराकृत करने के लिए सारे विभाग के संबंधित अधिकारी वहां पर मौजूद रहते हैं और इससे कार्य को बहुत गति मिलती है और मैदानी हकीकत भी मालूम पड़ जाती है।
तो स्टैंड अप मीटिंग के बाद में जो निर्णय लिए जाते हैं उससे विभागीय अधिकारियों को उनका क्रियान्वयन करने में भी सुविधा होती है, तो ये स्टैंड अप मीटिंग बहुत सार्थक रही है। सर, इस विश्व स्तरीय आयोजन के लिए घाटों की साफ सफाई करना, घाटों का रख रखाव, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होता है प्रशासनिक अमले के लिए। ऐसे में किस तरह से आपने एक सकारात्मक कदम उठाए हैं ताकि घाटों की सफाई का जो मामला है वो सिंहस्थ करीब आते आते पूरी तरह से जो है परिपूर्ण हो जाए, उसको जो तय समय सीमा में पूरा कर लिया जाए, और साथ ही साथ जनता को भी जागरूकता का पाठ पढ़ाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज की जनता को पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ाना भी जरूरी है ताकि हमारी नदियों को सहेजने की जो सरकारी कोशिशें हैं वो भी जो है सफल हों। सबसे महत्वपूर्ण इस सिंहस्थ के दौरान शिप्रा नदी पर स्नान ही होता है और घाट ही मुख्य रूप से श्रद्धालुओं के केंद्र होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर बेहतर व्यवस्थाएं हों, घाट साफ सुथरे रहें और नदी का पानी शुद्ध रहे ताकि लोगों को स्नान में किसी प्रकार की बाधा ना हो, इसको ध्यान में रख करके अभी हाल ही में 24 तारीख से 30 तारीख तक एक सघन अभियान चलाया गया, जिसके अंदर विभिन्न विभागों ने और जनसेवी संगठनों ने, सभी ने मिलकर के, उज्जैनवासियों ने मिलकर के त्रिवेणी घाट से लेकर के मंगलनाथ सिद्धवट तक के सभी घाटों की सफाई का एक अभियान लिया और इसके बड़े सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए। लोगों में नदी के घाटों की शुद्धता को लेकर के, उनकी साफ सफाई के बात को लेकर के एक जागृति पैदा हुई है और उससे वातावरण निर्माण में तो मदद मिली ही है, साथ ही सिंहस्थ के दौरान इन घाटों को बहुत अच्छी तरीके से संजो करके रखा जा सकेगा। पानी की गुणवत्ता शुद्ध रहे इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। खान नदी का डायवर्शन होकर के उस नदी का जो गंदा पानी इसमें आकर के मिलता था, अब वो नदी का पानी इसमें नहीं मिलेगा। विभिन्न नालों का पानी जो इस शिप्रा नदी में आकर मिलता था उसको भी रोकने के लिए नगर निगम ने एक बड़ी कारगर योजना बनाई है और उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं। इसके साथ ही इस नदी में जो पानी प्रवाहित हो रहा है उसको रुके होने के कारण किसी प्रकार की गुणवत्ता उसकी प्रभावित न हो, इसके लिए भी वन विभाग और नगर निगम के सहयोग से एक कार्य योजना बनाई गई है जिसको हम यथा समय मूर्त रूप देंगे और इससे हम ये आश्वस्त हो जाएंगे कि श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान अच्छे पानी की उपलब्धता रहे। सर, जनता ये भी जानना चाहती है कि सिंहस्थ 2016 के आयोजन में ई रिक्शा का कॉन्सेप्ट भी जिला प्रशासन ने इंट्रोड्यूस किया है, बैटरी चलित वाहन होंगे जो कि शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए, विकलांग लोगों के या वृद्धजनों के लिए जो है, सीनियर सिटीजन्स के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट पूरा क्या है, इसको किस तरह से क्रियान्वित भी किया जा रहा है उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा? अभी हमने ये प्लान किया है कि जो कोर एरिया है जहां पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं का दबाव रहेगा, एक स्थान तक हम सार्वजनिक वाहनों को आने की सुविधा देंगे, लेकिन उससे आगे आने के लिए जब निशक्त जन हैं या बुजुर्ग लोग हैं जो आस्था से इस स्नान के लिए तो आते हैं किंतु उनको घाट तक पहुंचने में तमाम सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में ई रिक्शा के माध्यम से उनको घाट के नज़दीक तक पहुंचा करके उनका स्नान संपन्न करवाया जाएगा और इसके लिए लगभग 500 ई रिक्शा का हम प्लान कर रहे हैं जो कोर एरिया के अंदर, जो महाकाल जोन के अंदर भ्रमण के लिए उन्हें अनुमति दी जाएगी ताकि वे इस श्रेणी के लोगों को सुविधा दे सके। सर, डीएम सर से हम ये भी जानना चाहेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में जब आईटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो सरकारी कामकाज हो या लोगों की दिनचर्या हो, सोशल मीडिया या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गई है, ऐसे में इस सिंहस्थ को जब गूगल अपने मैप पर विश्व स्तरीय इसका जो है लोकेशन बताएगा, इंटरनेट के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सिंहस्थ के तमाम आयोजन से जुड़ी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी, ऐसे में जिला प्रशासन ने भी क्या कोई ऐसी कोशिश की है ताकि आईटी का भी सही इस्तेमाल हो इस वृहद आयोजन की सफलता के तहत? वास्तव में आज का जमाना आईटी का जमाना है और प्रत्येक व्यक्ति जानकारी को अपने सुलभता से प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। ऐसी स्थिति में वेबसाइट के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सिंहस्थ से संबंधित हम आम जनता को तो उपलब्ध करा ही रहे हैं, इसके अलावा प्लानिंग पार्ट में भी हमने टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग किया है। जीआईएस मेथड से हमने डिफरेंट लेयर्स पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्रोजेक्ट किया है और उनका फील्ड पर वेरिफिकेशन करके और उसकी सही स्थिति का आकलन करके हमने इस प्रकार से उसको क्रियान्वित किया है जिससे विभागीय गतिविधियों में किसी प्रकार की बाधा न आए। इसके अतिरिक्त मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी उन्हें जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही है ताकि सिंहस्थ के दौरान लोग अपनी सुविधा से संबंधित हर बिंदु पर जानकारी प्राप्त कर सकें। सर, पिछले सिंहस्थ में अनुमानित तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु जो है उज्जैन नगरी आए थे, इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा सीधे जो है 2 गुना हो जाएगा, तो चुनौती है आपके लिए जितने ज़्यादा श्रद्धालु होंगे उतना ज़्यादा क्राउड मैनेजमेंट का जो एक फॉर्मूला है वो आपको एग्जीक्यूट कराना होगा, आप क्या सोचते हैं व्यक्तिगत तौर पर?
निश्चित रूप से जो हमारी कार्य योजना हमने तैयार की है उसमें हमने ये अनुमान लगाया है कि इस मेला अवधि के दौरान 5 करोड़ श्रद्धालु उज्जैन शहर में आएंगे और शाही स्नान के दिन ही 1 करोड़ श्रद्धालुओं की हम उम्मीद करते हैं। और इसी को ध्यान में रख करके क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए हमने डिफरेंट रूट्स इस प्रकार से प्लान किए हैं कि जिससे कहीं भी एक जगह जमावड़ा ना हो। पिछली बार घाट की लंबाई लगभग 4 किलोमीटर थी, इस बार घाट की लंबाई लगभग 7.5 से 8 किलोमीटर के बीच में रहेगी। तो ऐसी स्थिति में एक ज़्यादा घाट का बनना और रिंग रोड का आउटर रिंग रोड के बनने से ट्रैफिक कंजेशन की भी स्थिति नहीं रहेगी। पिछली बार की तुलना में इस बार हमने लगभग दुगना एरिया मेला क्षेत्र के लिए नोटिफाई किया है ताकि विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठन जो इस दौरान आकर के लोगों को सेवा देना चाहते हैं या अपने श्रद्धालुओं को एकत्रित करके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना चाहते हैं या विभिन्न अखाड़े और संप्रदाय अपने श्रद्धालुओं को और अपने भक्तजनों को ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं उनको संपूर्ण अवसर प्रदान किया है। मेला क्षेत्र का काफ़ी विस्तार किया है। इस मेला अवधि के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यापार मेला भी आयोजित करने का लक्ष्य रखा है ताकि हम इस संबंध में बेहतर व्यवस्थाएं कर सकें। सर, जो विभिन्न साधु संत हैं या जो विभिन्न अखाड़े हैं उन्हें प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया कितनी जो है पारदर्शी ढंग से पूरी की जा रही है? साथ ही साथ इस बार जो है किन्नर अखाड़ा भी जो है अपना दावा रख रहा है कि उन्हें भी स्थान मिला जाए, तो क्या ये भी कोई एक चुनौती रहेगी आने वाले समय में उज्जैन जिला प्रशासन के सामने सिंहस महापर्व से जुड़ी? मेला अधिकारी के अधीन एक उपसमिति है, ये उपसमिति भूखंडों के आवंटन के लिए कार्यवाही कर रही है। हमने मोटे रूप से सिद्धांत ये रखा है कि जिन अखाड़ों को, जिन आश्रमों को, जिन साधु संतों को गत सिंहस्थ में 2004 में जो स्थल आवंटित किए गए थे वो स्थल उन्हें इस बार भी आवंटित किए जाएंगे। किंतु यदि इसके अतिरिक्त वो कोई भूमि चाहते हैं कि उनके श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो गई है या अपनी वो विभिन्न गतिविधियों के लिए उन्हें स्थान पर्याप्त नहीं है तो उन्हें इसके अतिरिक्त भी भूखंड की उपलब्धता रहेगी। शेष लोगों को आवेदन उपलब्ध कराने के आधार पर उनके द्वारा मांगे गए भूखंड यदि एक ही व्यक्ति ने मांग की है तो वो भूखंड उन्हें आवंटित कर दिया जाएगा और यदि एक से अधिक व्यक्तियों ने मांग की है तो सुसंगत और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए उस भूखंड का चयन उन आवेदकों की उपस्थिति में और उनकी सहमति से ही किया जाएगा। तो वर्तमान में हमारे पास में भूखंड पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है और भूखंड बंटन को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सर, जाते जाते जनता जानना चाहती है कि सिंहस्थ मेला में मैनेजमेंट कौन से तरीके से लगाया जाएगा, मैनेजमेंट मंत्रा क्या होगा सिंहस्थ महापर्व को लेकर? कलेक्टर साहब किस तरह से एक मैनेजमेंट का फॉर्मूला भी साथ में अपने पास रखते हैं ताकि जब भी कोई चुनौती या जब भी कोई समस्या सामने आती है तो उसका चुटकियों में समाधान हो जाता है? आपके पास कौन सा ऐसा मैनेजमेंट का फॉर्मूला है जो कि आप आने वाले दिनों में लगाने वाले हैं? सिंहस्थ वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती है और उज्जैन शहर के लिए एक बहुत बड़ा अवसर। यदि हम किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए टीम भावना से काम करेंगे और हम सब लोग आपस में मिलजुल करके इस प्रकार से निर्णय लेंगे कि जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तो तेज हो ही और साथ में निर्णय समय की आवश्यकता के अनुरूप हो और प्रत्येक विभाग उस निर्णय के अंदर अपने आप को सहभागी माने, इसी टीम भावना से हम कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम होंगे और सिंहस्थ 2016 के अंदर हम देश विदेश के सभी धर्मालुओं और श्रद्धालुओं को आमंत्रित करते हैं कि वे इस महाकाल की पवित्र नगरी में आएं और सिंहस्थ 2000 के आयोजन का आनंद उठाएं और धार्मिक लाभ प्राप्त करें। सर, उम्मीद करते हैं कि आपका मैनेजमेंट का ये फॉर्मूला जो है कारगर साबित होगा, सफल साबित होगा। जाते जाते सर, प्रदेशवासियों को और खासतौर पर हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि सिंहस्थ 2016 के बृहद आयोजन में आने के लिए आतुर हैं, यह कहा जाए कि वो भी कहीं ना कहीं इस महा मौके का जो है फायदा उठाना चाहते हैं, पुण्य लाभ कमाना चाहते हैं, उनको आप तमाम किस तरह से जागरूकता का संदेश देना चाहेंगे? माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार इस सिंहस्थ आयोजन को विश्व परिदृश्य पर एक नई पहचान देने के लिए सारी तैयारियां कर रहा है और सिंहस्थ के दौरान बाहर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को विश्व शांति और वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को हम पहुंचाने के लिए आतुर हैं। आप सभी सिंहस्थ 2016 के इस पवित्र आयोजन में सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर डी लाइव न्यूज़ से खास बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं कि सिंहस्थ 2016 उज्जैन जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से कुशल मैनेजमेंट के साथ संपन्न होगा और विश्व स्तरीय इस आयोजन के बाद जरूर से जिला प्रशासन और उज्जैन जिले का भी कहीं ना कहीं एक बार फिर नाम जो है धार्मिक नगरी के रूप में अंकित किया जाएगा। डी लाइव न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट न्यूज़ टॉक में आज इतना ही। हमने जाना उज्जैन जिले के कलेक्टर श्री कियावत सर से कि किस तरह से वो मैनेजमेंट का फॉर्मूला लगा करके सिंहस्थ 2016 महापर्व की तैयारियों में जुटे हैं और इन दिनों
24 घंटे सातों दिन। जी हाँ, जिला प्रशासन महकमे से जुड़े तमाम अधिकारी कलेक्टर सर के नेतृत्व में इन दिनों अलर्टनेस का कहीं ना कहीं पाठ पढ़ रहे हैं और सिंहस्थ आयोजन अच्छे से सफल हो इसके लिए इस दिशा में आगे वो अपने कदम बढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वृहद आयोजन में मध्य प्रदेश और खासतौर पर उज्जैन पूरी तरह से सफल साबित होगा। आज के इस स्पेशल सेगमेंट में इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।